नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नारंगी के क्या फायदे हैं, उसके क्या गुण हैं। विटामिन सी और ए से भरपूर नारंगी स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। ये संतरा, मौसमी और नींबू की जाति का फल है, यानी कि उसका रिश्तेदार है आसपास का उसका। नारंगी खाने या नारंगी का जूस पीने से भूख लगती है और शरीर को भरपूर शक्ति मिलती है। इसके सेवन से न केवल आपकी पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है, बल्कि बॉडी में उत्साह और स्फूर्ति का संचार भी रहता है। बच्चों और बड़ों का पसंदीदा फल नारंगी असम, सिक्किम, नागपुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नारंगी को हृदय रोग के लिए एक गुणकारी फल माना गया है। इससे निरंतर प्रयोग करने से खून को साफ करने में बहुत मदद मिलती है और जुकाम और इन्फ्लुएंजा को रोकने की इसमें बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी निरंतर नारंगी का सेवन करना चाहिए, उसको इसमें बहुत आराम मिलेगा। नारंगी एक ऐसा फल है जो शरीर के अंदर पानी की कमी को दूर करता है, साथ ही शरीर की कमजोरी को दूर करता है। और जिन लोगों को बेचैनी या घबराहट होती है, उन्हें नारंगी और नारंगी की जाति से संबंधित फलों का सेवन करना चाहिए। आंतों की सफाई या खून की कमी को दूर किया जा सकता है, और अगर आप नियमित रूप से नारंगी का सेवन करते हैं। इसके बहुत से औषधीय गुण हैं। नारंगी का जूस प्रतिदिन पीने व नारंगी खाने से दांतों व मसूड़ों के विभिन्न रोगों से आपको सुरक्षा मिलती है। रिटेक्स में रोगी बच्चों को नारंगी व संतरे का रस पिलाने से रोग दूर होते हैं। पहले से नारंगी जूस पिलाने से बच्चे रिकेटेक्स के शिकार नहीं होते हैं। शिशु के दांतों के निकलने के समय नारंगी का जूस पिलाने से दांत आसानी से निकलते हैं। टाइफाइड की समस्या में रोगी को दूध में नारंगी का रस मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है। जी हाँ, टाइफाइड में अगर रोगी टाइफाइड का इलाज करा रहा है और उसका रोगी है, तो दूध में नारंगी का रस मिलाकर पिलाएं, उससे उसको बहुत लाभ मिलेगा। नारंगी खिलाने में नारंगी के जूस में काला नमक और काली मिर्च मिलाकर और उसका चूर्ण पिलाने से पीट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आप नारंगी के जूस के अंदर काला नमक और काली मिर्च का चूर्ण डालते हैं और उसको मिलाकर पिलाते हैं, तो पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। प्रतिदिन नारंगी का जूस पीने से स्कर्वी रोग दूर होते हैं। शिशु को दस्त की समस्या है, तो नारंगी का जूस पिलाने से उसको दस्तों में लाभ मिलता है। नारंगी का जूस प्रतिदिन पीने से गुर्दे के अंदर शक्ति मिलती है, गुर्दा विभिन्न रोगों से सुरक्षित रहता है। और शाम को और सुबह नारंगी के जूस का सेवन करने से आपकी कब्ज की समस्या जो है वो खत्म हो जाती है। नारंगी के जूस के अंदर एक और बहुत बड़ी ताकत है कि वो रक्त की अम्लता और पित्त की समस्या को दूर करता है। नारंगी फूलों के अर्क के सेवन से, जी हाँ, नारंगी के फूलों के अर्क के सेवन से स्नायुओं की दुर्बलता दूर होती है, दिमाग को बहुत लाभ मिलता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। नारंगी के छिलकों को कूट कूट कर पहले उसको छाया में सुखा लें और फिर कूट कर उसका चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण को गुलाब जल में अच्छी तरह मिलाकर लेप प्रतिदिन अगर आप अपने चेहरे पर लगाएं, तो चेचक के निशान भी इससे दूर हो जाते हैं। जॉन्डिस रोग में नारंगी का रस पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। जी हाँ, और नारंगी के छिलके चेहरे पर रगड़ने से झाइयां और चुरियां खत्म हो जाती हैं, चेहरे की त्वचा कोमल व मुलायम होती है और सौंदर्य आपके चेहरे पर निखार लाने लगता है। और अगर आपके पेट में दर्द की शिकायत है, तो भी आप नारंगी का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगी को सुबह के नाश्ते के समय 200 ग्राम जूस नारंगी का पीना चाहिए। और टीबी के लोगों के लिए नारंगी एक गुणकारी फल है, उन्हें रोजाना नारंगी का जूस पीना चाहिए। अगर आपके मुंह में, आपके मसूड़ों में दर्द रहता है या फिर आप पायरिया रोग से पीड़ित हैं, तो रोजाना नारंगी का सेवन या उसका जूस पीना चाहिए। और दूध में थोड़ा सा नारंगी का जूस मिलाकर वायु विकार यानी कि गैस की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। और नारंगी के छिलकों को कूट कूट कर बारीक चूर्ण बना लें और उसमें सेंधा नमक और थोड़ा सा अकरकरा कूट कर पीस लें और मिलाकर मंजन करने से मसूड़ों से संबंधित रोगों से सुरक्षित किया जा सकता है। इतनी कमाल की चीज है ना, देखिए नारंगी कितने गुण है नारंगी के अंदर, और हम उसको इस्तेमाल में नहीं करते। हम नारंगी का जूस नहीं पीना चाहते। नारंगी का जूस हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, टाइफाइड के लिए, दमा, टाइफाइड वालों के लिए, टीबी वालों के लिए, तो ये एक सोच लीजिए कमाल का चीज है। और अगर छोटे बच्चों के दांत नहीं निकलते हैं, तो आप उनको भी पिला सकते हैं, उनके दांत जल्दी आ जाएंगे, आपके पेट के कीड़े खत्म। कितनी सारी चीजें हैं जो नारंगी के
जूस के अंदर है, उसके पत्तों के अंदर है, उसके छिलकों के अंदर है। कितने गुण बताए हमने आपको, अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और आप इस जानकारी का पूरा फायदा उठाइएगा। मैं तो कहता हूं कि आप नारंगी के जूस का इस्तेमाल कीजिएगा, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और यूं ही मुस्कुराते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और बस आपकी दुआओं का हम तो हमेशा इंतजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर।